أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البدري والتسليم والتسليم واليقين واليقين والتصديق والتصديق والإقرار والإقرار والأداء والأداء والعمل صلى الله صلى الله सेंटर में मुनक़िद होने वाला ये खमसे मजालिस जो बसिलसिले अरबईन हुसैनी यानी शहदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहलों के उनवान से मुनक़िद हो रहा है। इस सिलसिले ज़िक्र बयान के लिए मैंने आप हज़रात के सामने जिन मुक़द्दस मुबारक और नाकाबिल फरामोश अल्फाज को गुफ्तगू का जरिया बनाया है वो अल्फाज नहजुल बलागा की सीनत। नहजुल बलागा जानने वाले जानते हैं कि मौलाए कायनात गालिब अला कुल्ले खालिक मतलूब कुल्ले तालिब हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहरीरों का वो मजमुआ है जिसे सैयद रजी अलैहिर्रहमा ने 400 हिजरी के करीब जमा किया और उस मजमुए का नाम नहजुल बलागा। यानी मौलाए कायनात की तकरीरें और तहरीरें जो 400 हिजरी तक मुख्तलिफ मकामात में मुख्तलिफ किताबों में या लोगों के हाफजे में महफूज थी, खासकर किताबों में, उनको कलेक्ट करके जमा करके नहजुल बलागा के नाम से ये किताब सैयद रजी ने आलम इंसानियत को पेश की, जिसके पेश करने का मकसद नाम से पता चलता है कि कोई मजहबी कोई चीज नहीं थी ऐसी, बतौर अदब बतौर लिटरेचर के ऐसा खिताब या ऐसी तकरीर जो अब तक इस तरह की कोई किताब पेश नहीं की गई थी। और सैयद रजी कहते भी हैं कि मैं तो अइम्मा के कलाम को जमा कर रहा था, मसानीदुल अइम्मा के नाम से मेरे ख्याल से, लेकिन इनके अहबाब इनके दोस्तों ने इस तरीके को इतना पसंद किया कि इनसे कहा कि अगर मौलाए कायनात के सारे कलाम को सारी तकरीरों सारी तहरीरों को पेश किया जाए तो ये अदब की बहुत बड़ी खिदमत हो लिटरेचर की। इसलिए कि किसी भी जबान का लिटरेचर वो मजहब से ताल्लुक नहीं रखता,
उसमें मजहबी चीजें भी होती हैं, लेकिन जबान जो है, जबान लैंग्वेज जिसे कहते हैं, उसके अपने कानून और कायदे होते हैं। और जबान ही जो है, बोल चाल ही जो है, इंसान की हैसियत का तायुन करती है। ये किसी एक जबान का नहीं, हर जबान का ये मामला है। मैं अंग्रेजी जबान का तालिबे नहीं हूं, लेकिन जब मैं यहां आता हूं तो जिन लोगों ने भी इंग्लिश में, चाहे वो पोएट्री हो या प्रोज, नज्म हो या नस्र, अगर उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं, तो उनकी कब्रों पर जाना, उनकी निशानियों तक जाना, क्या बात है, आदमी जो है वो फख्र महसूस करता है। क्या बात है, इसलिए कि इंग्लिश लिटरेचर में जिन लोगों ने भी अपना नाम पैदा किया है, तो इस मुल्क में जहां जबान तरसील का, बयान का इंग्लिश है, वहां उनको इज्जत दी जाती है, उनकी निशानियां कायम की जाती हैं। और निशानियां कायम करना एहसान शिनासी का सबूत बनता है। और अगर उनको कोई फरामोश करे तो ये एहसान फरामोशी होती है। जो फरमा रहे तो यानी मोहसिनों को याद करना फितरत इंसानी है, तकाजाए अक्ल है, उनकी यादगार कायम करना गैर फितरी नहीं है, गैर अकली नहीं है। ये तो बस अहले बैत दुश्मनी में मुसलमानों ने उन लोगों को भुलाना चाहा कि जिनका एहसान ज़बाने अरब पर भी है और दीन इस्लाम पर भी है। उनको तो आप मजहबी एतबार से नहीं भी बात समझ रहे हैं, तो जबान के एतबार से समझ लीजिए कि क्या अरबी का कोई अदीब बगैर मौला अली के कलाम के हो सकता है। यही वजह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो फाजिल अदब का कोर्स तरतीब दिया गया, खुद मैंने वहां इम्तिहान दिया फाजिल अदब का, तो वहां कोर्स में नहजुल बलागा जैसी किताब भी थी। नहजुल बलागा बतौर मजहब नहीं, बतौर अदब कोर्स का हिस्सा है। इसलिए कि वहां खाली पढ़ने वाले फाजिल अदब में शिया साहिबान नहीं थे, अक्सरियत तो अहले सुन्नत हज़रात की थी। क्यों? इसलिए कि जानने वाले जानते हैं कि अदब में मौलाए कायनात की तकरीरों और तहरीरों का जितना बड़ा हिस्सा है। तो सैयद रजी ने कहा कि मजहब के नाम पर तो किताबें पेश हो चुकी हैं, मसलन आपके इल्म में होना चाहिए, पता होगा लोगों को, बाद कुरान हमारे यहां जो रेफरेंस बुक कहलाती है, जो अहादीस की किताबें कहलाती हैं, पहले सुन्नत भाइयों के यहां सहाय सिक्ता कहलाती है, छह सही किताबें। हमारे क्या सही का लफ्ज नहीं है, हमारे क्या कुतुबे अरबा कहलाती, मोटी मोटी चीजें हैं, जनरल बातें पता होनी चाहिए। चार ये किताबें हमारी हैं जिनमें अहादीस का जखीरा है हमारे पास। उसूले काफी, मन ला यहदुर, तहजीब व इस्तिफसार। और मैं जब इन किताबों की बात करता हूं तो ये जुमला बेसाख्ता जबान पर आता है, और वो ये अभी मैं कैस करके आ रहा हूं बर्ली में,
यहां भी दोहरा दूं कि सैयद ना होना ऐब नहीं है, सैयद बनना बहुत बड़ा ऐब है। सैयद ना होना ऐब नहीं है, इसलिए कि ये जिन चार किताबों का हमने नाम लिया ना, जिनकी बुनियाद पर पूरा उसूल और फुरू आपको मिलता है आदेश के जरिए, ये सादात की जमा की हुई किताबें नहीं है। ये चारों किताबें गैर सैयद हजरात की है। ये सारे उलमा जो हैं ये तीनों ये सादात में से नहीं है। उसूल काफी जमा की शेख कुलैनी ने, मन ला यहदुर पेश की शेख सदूक ने, तहजीब और इस्तिफसार पेश की शेख तूसी ने। ये हमारे सर का ताज है। सैयद होना ना होना ऐब नहीं है, सैयद बनना बहुत बड़ा ऐब है। क्या आप सादात में से नहीं है लेकिन अपने को सैयद कह रहे हैं? नहीं, आप ये करके अपने अमल को जाया कर रहे हैं, कोई भी हो, इसलिए कि मुल्क बदलने के बाद कुछ लोग सैयद बन गए, शहर बदलने के बाद कुछ लोग सैयद बन गए। यकीनन ये है, रिकमेंड किया गया है कि एहतराम सादात हो, इसलिए कि जिनके बुजुर्गों ने इस्लाम के लिए जान दी है उनकी नस्लों को इज्जत देना खिलाफ फितरत नहीं है, मुताबिक अक्ल है। मैं अभी अर्ज करके आ रहा हूं, वहां मैंने अर्ज किया कि हिंदुस्तान में मुगल पीरियड जो है वो मुसलमानों का दौर कहलाता है, उनके नाम से बनाई हुई इमारतें या उनके नाम पर स्टेशन का अगर नाम रखा गया है, किसी शहर का नाम रखा गया है, अगर उनको बदला जाता है तो आज तक जब मुसलमानों तक खबर पहुंचती है तो उन्हें तकलीफ होती है ना, ये तेरे साहब बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, ये क्या हो रहा है, फुला शहर का नाम बदल दिया, फुला शहर का नाम बदल दिया। तो फरमाइएगा, उन मुगलों के लिए गारंटी नहीं है कि उन्होंने जो कुछ किया सब सही किया, तब भी पर अगर उनके नाम से मंसूब चीजों को बदला जाता है तो मुसलमानों को तकलीफ होती है। तो जिनका किरदार मिला जुला हो अगर उनकी यादों को मिटाया जाए तब तो आपको बुरा लगे, लेकिन जिन आले मोहम्मद ने अपने खून जिगर से सींच कर इस्लाम को हरा भरा किया अगर उनकी औलादों को इज्जत दी जाए तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? सलमान के मोहम्मद वाला, लेकिन बात यही है कि सैयद को अपना एहतराम करवाने का हक नहीं है कि वो ऑर्डर दे कि मेरी इज्जत करो मेरा एहतराम करो, लेकिन गैर सादात मोमिनीन को बेशक रसूल की निस्बत से ये पूरी बहस है, इसलिए कि बुजुर्गों की निस्बत से इज्जत मिलना खिलाफ आदतों खिलाफ फितरत नहीं है। सही बात। तो बहरहाल ये चार हैं हमारे चार किताबें कुतुब अरबा जो कहलाती हैं, ये शुयूख हजरात बुजुर्ग जो हैं, इसलिए कि यहां पर मसला ईमान और अमल साले का। अभी मैंने वहां आयत पढ़ी थी कि जहां इरशाद हो रहा है कि मन अमल साले मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मोमिन फलनुहयिजन्नहु हयातन तय्यबा, जो भी अमल साले करे चाहे वो मर्द हो या औरत हो अगर वो मोमिन है तो हम उसे हयात तय्यबा अता करें। यहां इज्जत ईमान और अमल साले की बुनियाद पर मिलती है, न मर्द की वजह से, न औरत की वजह से, न सैयद की वजह से, न गैर सैयद की वजह से, यहां ईमान और अमल साले। इसीलिए कुरान ने पैमाना दे दिया तब्बत यदा अबी लहब कहते हैं कि अबू लहब के हार्ट टूट जाए, ये रसूल का चचा है, नसबी रिश्तेदार है, अगर गद्दार निकल गया तो हुआ करे चचा,
लेकिन वो सलमान है जिनके शजरे का पता नहीं है, लेकिन अगर वफादारे अहले बैत हैं, वफादारे मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, तो सलमान और मिन्ना अहले बैत की सनद जमात मोहम्मद वाले। तो बहरहाल ये चार किताबें ये मजहबी किताबें कहलाती, लेकिन मजहब के नाम पर पेश की गई तो बहुत से लोग इनका नाम भी नहीं जानते। तवज्जो फरमाइएगा, लेकिन नहजुल बलागा अदब के नाम पर पेश की गई। तवज्जो फरमाइएगा, तो गैरों को भी बनाम अदब इसे पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं आगाज करूं कि पढ़ के नहजुल बलागा दुनिया में, पढ़ के नहजुल बलागा दुनिया में आज अच्छे अदीब होते हैं, पढ़ के नहजुल बलागा दुनिया में आज अच्छे अदीब होते हैं, और तेरे खुतबों का फैज है ज़ैनब आज हम में खतीब होते हैं। के साथ के नहजुल बलागा में 238 खुतबे 238 मुफ्ती जाफर साहब मरहूम के तर्जुमे के बाद, और 179 खतूत अहदनामे और वसीयतनामे, और तकरीबन 500 हकीमाना अकवाल है, जिसमें का एक एक कौल ऐसा है कि किसी एक कौल को भी अगर इंसान अपनी जिंदगी का मकसद बना ले तो उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाए, उसकी आखिरत भी कामयाब हो जाए। देखिए अली वालों का, नबी वालों का कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां छोटी सी लाइब्रेरी ना हो। किताबों से रिश्ता नबी और अली वालों का बहुत जरूरी है। क्या बात है। और कम से कम 3 किताबें खाली सजाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। देखिए बहुत फरमाइशें होती हैं, बहुत सी बातें हम लोगों से कही जाती हैं कि मेंबर से ये होना चाहिए, मेंबर से ये होना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर होमवर्क आप क्लास में कराने लगेंगे तो क्लास का भी काम रह जाएगा और होमवर्क भी नहीं होने पाएगा। क्या बात है। तो जो होमवर्क है वो जब इमाम बारगाह से होगा ना तो फिर टकराव होगा। तो होमवर्क आप अपनी औलादों को खुद करा दिए। मजलिस इसे कहते हैं कि जो चीजें आप पहले से मान चुके हो, मजलिस चीजों को मनवाने की जगह नहीं है, मजलिस तो मानी हुई चीजों को, तस्लीम शुदा चीजों को याद दिलाने की जगह है। बड़ी तवज्जो, यहां तो मजलिस का मतलब यही है कि कम से कम आदमी इंसानी बुनियादों पर इस्लामी और ईमानी बुनियाद का दायरा और वसी हो जाएगा। इंसानी बुनियादों पर हम तो दुनिया के सामने मौला हुसैन की मजलूमी बयान करते हैं। अदा का मतलब, कंडोलेंस का मतलब, हम हिंदुस्तान से आए हैं इसीलिए वहां जिक्र हुसैन में दीन और मजहब की कोई कैदी नहीं है। तो जो हमारा वहां तो ताजिए हिंदू भी रखते हैं, वहां तो इमाम बारगाहें हिंदुओं ने भी बनवाई हैं। ये तो हमने दायरे को महदूद कर दिया, ये तो आपका वसी प्लेटफॉर्म था और ये बेहतरीन था कि उन एहसान फरामोश कलमा पढ़ने वालों को आईना दिखाने के लिए कि तुम्हें हुसैन की मजलूमी समझ में नहीं आती, कलमा पढ़कर भी तुमसे अच्छे तो ये गैर कलमा पढ़ने वाले हैं। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोबारा ये मजलिस तस्लीम शुदा चीजों को, तो हम भी तहय्युर पैदा करने वालों में नहीं कि ये चीज कहां लिखी है, ये चीज कहां है, नहीं, बातें ऐसी मैं पढ़ता हूं कि जो हर जगह आपको मिल जाए।
उन्हीं मिल जाने वाली बातों में किताब का नाम नहजुल बलागा। पहली किताब कुरान, दूसरी नहजुल बलागा, तीसरी सहीफा सज्जादिया। खुद भी अपनी भी आदत डालिए, अपनी औलादों की भी आदत डालिए कि रोजाना कम से कम, कुरान मजीद के लिए तो रिकमेंड किया गया है कि मोमिन को कम से कम रोज आना 50 आयतें पढ़नी चाहिए। और पढ़ने का मतलब खाली तिलावत न लिखे, पढ़ने का मतलब अपनी जबान में उसको तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश की। और फिर नहजुल बलागा का एक एक सफा भी अगर पढ़ेंगे आप, अब उसके लिए रिकमेंड यही करते हैं समझदार लोग कि पहले खुतबे से शुरू ना कीजिए, समझ में नहीं आएगी नहजुल बलागा। कलमाते हिकमत से शुरू कीजिए, छोटे छोटे कलमों से शुरू कीजिए ताकि बात दिल में उतरती चली जाए। और फिर सही है सज्जादिया, मेरी गारंटी है कि अगर हसास इंसान सारी नहजुल बलागा की वो सही है सज्जादिया की दुआओं की फेरिस देख लेगा ना, क्या बात, तो फेरिस देख ही कि उसको बहुत कुछ पढ़ने का दिल चाहे। इसलिए कि हमें तो अल्लाह से दुआ मांगने का तरीका भी नहीं मालूम है ना। ये हमारे चौथे इमाम का एहसान है कि उन्होंने हमें खुदा से गुफ्तगू करने का तरीका सिखाया। और आयतुल्लाह खुमैनी अलैहिर्रहमान ने कहा कि ये कुरान साइद है, ये कुरान नाजिल है, यानी जो उधर से इधर आए, जो नुजूल हो वो कुरान, जो कुरान सामित कहलाता है, यानी जो उधर से इधर आए वो 114 सूरों का कुरान है, और जो इधर से उधर जाए वो कलाम मासूम सहीफ़े सज्जादिया की शक्ल है। कुरान में खुदा बंदों से गुफ्तगू कर रहा है और सहीफ़े सज्जादिया में बंदा खुदा से गुफ्तगू कर रहा है, चीज आ रही है। अल्लाह पढ़े मोहम्मद वाले आज पहली तकरीर है, इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, इसलिए मैं ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये इतनी बुनियादी चीजें हैं कि अगर इन चीजों में से किसी एक चीज को भी सुनने वालों में से किसी एक ने भी ले लिया तो मेरी मेहनत सुवारत हो जाएगी। बहरहाल उसी नहजुल बलागा से अल्फाज का इंतखाब करके मैंने इस हमसे के लिए इस्लाम और करबला के मौजू का इंतखाब किया। ये कलमाते हिकमत का 125 नंबर का कलमा है। रोजाना कुछ न कुछ नहजुल बलागा के हवाले से मैं आप हजरात के सामने अर्ज करता रहूं। आज अब मौका नहीं रहा, ये 125 नंबर का कलमा हिकमत, जहां अमीर कायनात का इरशाद गिरामी कि मैं तुम्हारे सामने इस्लाम की निस्बत से, इस्लाम के रेफरेंस से वो बातें बयान कर रहा हूं जो मुझसे पहले किसी ने बयान नहीं की, इस्लाम मुझसे कबल किसी ने भी इस तरह से इस्लाम की डेफिनेशन, इस्लाम की तारीफ नहीं की। वो क्या, अल इस्लाम हो तस्लीम, इस्लाम नाम है तस्लीम, व तस्लीम हो यकीन, यकीन इस तस्लीम नाम है यकीन, व यकीन हो तस्दीक, और यकीन नाम है तस्दीक, व तस्दीक हो इकरार, तस्दीक नाम है इकरार, व इकरार हो अदा, इकरार नाम है अदाए फर्ज, व अदा हो अमल, और अदाए फर्ज नाम है अमल। इस्लाम
याद रखिएगा इस्लाम के बहुत दावेदार है, और जब दावे बढ़ते हैं तो नकल करने वालों को पकड़ने के लिए कोई ना कोई ब्रांड नेम देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ताकि कॉपीराइट की बात होती है, ताकि दूसरे इस नाम पर धोखा न दे, और खरीदार इस नाम पर धोखा न खाए। तो कभी कभी आप लोगों के सामने ये मसला आता होगा कि हम अगर मुस्लिम हैं तो हमें शिया कहने की क्या जरूरत है, तो ये नारा बहुत अच्छा लगता है कि हम सबको मुसलमान हमें अपने को कहना चाहिए, नहीं अगर सब मुसलमान ही होते और एक तरह के मुसलमान होते तो कैद लगाने की जरूरत न पड़ती, जहां मिलावट होती है वहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती, ताकि लोग धोखा न खाएं। तो बाजार मजाहिब में सब अपने को मुसलमान कह रहे हैं, तो पाइएगा लोग धोखा न खाएं कि कौन गदीर वाला है कौन सकीफा वाला है। इसलिए हमने अपने को मुसलमान के साथ शिया कहा, शिया कहा तो उसमें भी सेक्ट बने, उसमें भी फिरके बने, फिर हमने कहा कि शिया खाली नहीं, इसमें भी लोग मिले हुए हैं, तो हमने उसमें कैद लगाई इस्ना अशरी की, दवानता इमामी की, तवज्जो हमाइएगा। इसलिए हमारे लोगों ने कुछ नाम तंज में बदनाम करने के लिए रखे, कुछ नाम हमने रखे अपने, ओरिजिनल हम मुसलमान हैं, लेकिन मिलावट से अपने को बचाने के लिए कभी हम कहते हैं हमें और जैसे मुसलमान न समझना, हम शिया मुसलमान हैं, हम इमामिया मुसलमान हैं, हम जाफरी मुसलमान हैं, तो जो हमाइएगा ये धोखे से बचने के लिए बताने के लिए शर्तें लग रही हैं, वरना हम वही ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, हम वही मोहम्मद और रसूलुल्लाह वाले हैं, तो जो हमाइएगा लोगों ने बहुत ढूंढा, हम पर बहुत इल्जाम लगाया कि ये 40 पालों का कुरान मानते हैं, तवज्जो हमाइएगा, लेकिन हमारी किसी मस्जिद से किसी इमाम बारगाह से किसी को 40 पारे वाला मिला नहीं, इसीलिए जब देखा कि हम झूठ बोलते हैं और ये पकड़े नहीं जाते तो हमसे दूर रखने की कोशिश की गई, इसलिए कि इतनी बदनामी करा चुके हैं कि सच्चाइयां खुलती हैं तो खुद ही सर झुकाकर बैठ जाते हैं, सलवात है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, और मिलावट हुई है, अगर मिलावट न हुई होती तो इतने नाम के मुसलमान और इस्लाम ना होते। तो जब फरमाइएगा एक चीज जो बहुत सिंपल और सादा समझी जाती है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बिलखसूस खतीब इमाम ताहिर जनरल मरहूम ने, शायद इसी मिसाल के बाद आज का बयान मैं खत्म करूं, इसलिए कि बातें कल से आगे बढ़ेगी, आज तो बिल्कुल तमहीद की मजलिस है, खमसे आशरे में पहली मजलिस इंट्रोडक्शन और तारुफ की होती है, लेकिन आइंदा की मजालिस के लिए बहुत अहम होती है, तो ये तो हेडलाइंस आप समझें, ये तो सुर्खियां आप समझें, ये तो तारुफ आप समझें, कल इंशाल्लाह वक्त से तशरीफ लाइए, जैसा कि ऐलान किया जा चुका, क्योंकि मुझे इसके फौरन बाद मैनचेस्टर और मुर्साद में भी खमसे मजालिस को खिताब करना है, इसलिए 6 बजे का वक्त है, तो आप वक्त की पाबंदी के साथ तशरीफ लाए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी खिदमत अंजाम दे सकूं। तो मिलावट तो हुई है, उसका सबूत बिल्कुल सामने की बात, जिसको बहुत सादा तरीके से बयान किया जाता है, और वो क्या कहते हाथ खोलने और बांधने की जरा ही से तो फर्क है, हाथ खोलने और बांधने से क्या होता है, इबादत तो इबादत है, लेकिन नहीं इसको इतना सादा ना लीजिए, मसला ये है कि अगर आजाद आपको छोड़ा हो तो जिस तरह से दिल चाहे इबादत कीजिए,
लेकिन अगर कुरान में ये कहा जाए कि तुम्हारे लिए रसूल की सीरत बेहतरीन हमने तुम्हारे लिए रसूल की सीरत को नमूना बनाया है, अगर ये कहा जाए कि नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे नबी ने पढ़ी, तो जो फरमाइएगा तो शर्त अगर लग गई कि नमाज वैसी ही पढ़नी है, मैं सबूत दे रहा हूं कि मिलावट हुई है। मैं उर्दू बोलने वाला हूं और ज्यादातर उर्दू ही के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं, इल्ला ये कि अगर उसके बराबर का कोई अंग्रेजी का लफ्ज मुझे मिल गया जो कमी होता है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि मौलाना आपकी उर्दू थोड़ी सी सख्त है, खासकर जब अशआर इस्तेमाल करता हूं तो ये होता है कि अब तो और बात सख्त होगी। लेकिन सुनने वाले आते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, ये बतलाएं आपसे, आज खमसा शुरू हो रहा है, 20 सफर तक जाएगा ये सिलसिला, मुमकिन है कोई आदमी पांचों दिन आए और मेरे बयान पर ये तबसरा करे कि हमें इनकी बात समझ में नहीं आई, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से, या बयान ऐसा नहीं था कि हम उसको समझ पाते, तो आप इस पर कोई गलत उसका वो ना लीजिएगा, मुमकिन है कि आप नहीं ना समझ पाए, ऐसे तबसरे पर आप उसको पकड़ नहीं सकते। आप जो तुम आए तो तुमने समझा क्यों नहीं, है ना। बहुत से लोग कभी कभी ऐसा भी होता है अपनी मसरूफियत की वजह से मजलिस में आकर कभी गैर हाजिर रहते हैं, सारी चैटिंग के काम सारे काम जो है करते रहते हैं। और कोविड में मैंने ये बात बहुत मजलिसें पढ़ी ऑनलाइन, तो उसमें मैंने कहा कि कभी कभी पास वाले दूर होते हैं, दूर वाले पास होते हैं। मजलिस अगर ऑनलाइन जा रही है और यहाँ बैठ करके भी आदमी मुतवज्जे नहीं है तो हाजिर होकर के भी गायब हो सकता है कि नहीं, और अगर कोई दूर से पूरी तवज्जो से सुन रहा है तो वो गायब होकर के भी हाजिर हो सकता है कि नहीं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन हम किसी की समझ पर एतराज नहीं कर सकते, खुदा ना खास्ता, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर नियत खराब भी हो, मुझसे कोई जाती मामला भी हो किसी का, और वो ऐसे ही मेरे बयान पे कमेंट कर रहा हो ये कह के मैं नहीं समझा, तो समझ पर आप उसको नहीं कुछ कह सकते। खुदा ना खास्ता नियत गलत भी हो, तब भी पर दो चार लोग उसके फेवर में होंगे कि भाई क्यों इसको आप बदनाम कर रहे हैं, हो सकता है कि न समझ पाए हो, ठीक है उसका फेवर करने वाले हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आदमी कहे कि मैं पांचों दिन था और पांचवें दिन ये कहे कि मौलाना के अमामे का कलर कैसा था, अब भी अगर कोई ये कहे कि हो सकता है कि मौलाना के कलर मुख्तलिफ हो और उसका फेवर अगर कोई करे तो उस नहीं गैर हाजिर की बात नहीं है, तो हाजिर, लेकिन अब यह है या तो वो साजिश कर रहा है, अब भी पर अगर आप उसका फेवर कर रहे हैं कि नहीं मुमकिन है मामे का कलर मुख्तलिफ हो, पांचों दिन आने का दावा, बड़ी तवज्जो, तो या तो मौजूद नहीं था या ये साजिश कर रहा है, यही तो बातें होंगी। अब आप उसका फेवर न कीजिए, अगर आप फेवर कर रहे हैं तो जो फेवर कर रहा है वो भी साजिश का हिस्सा, तो मैंने ये सादा से मिसाल आपको दी, तो हाथ खोलने बांधने का मसला नहीं है, बात यह है कि नमाज उस इबादत का नाम है जो पांच मर्तबा नबी पढ़ते थे, अगर वो तरीका नमाज भी मुसलमानों में एक नहीं है, तो पैगंबर का बयान मुसलमान नहीं समझ सका, कोई मकाम में ताज्जुब नहीं है, लेकिन पांच वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज में भी अगर इख्तलाफ है तो अब तो मानो कहीं मिलावट हुई है। सलवाते
तो ये है कि सबको अच्छा और अच्छा समझे। अब ये फेवर आपका बता रहा है कि आप भी साजिश का हिस्सा हैं, इसलिए कि जब रोज आना नजर आने वाली चीज में मिलावट कर दी गई तो तौहीद में कितनी मिलावट होगी, अदालत में कितनी मिलावट होगी, नबूवत और इमामत में कितनी मिलावट होगी। अब आप बताइए ब्रांड नेम की नबूवत ठीक है नहीं? हुसैन जैसे, ये हुसैन कोई मामूली आदमी नहीं है, जब मिलावट का नतीजा है और आज तक इसको सिंपल और सादा बनाकर पेश किया जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई, कत्ल ही तो हो गया। नहीं, यह कत्ल अगर किसी आम मुसलमान का होता तब भी मकामे ताज्जुब था, लेकिन वो जो मिसदाके आए तथीर हो, वो जो मिसदाके आए मुबाहिला हो, वो जो मिसदाके पूरे कौसर हो, वो कि जिसको नबी ने जवाना ने जन्नत का सरदार कहा हो, वो कि जिसके लिए नबी ने खुतबा मुनकता किया हो, वो कि जिसके लिए नबी ने सजदे को तूल दिया हो, वो जिस दरवाजे पर जाकर नबी 6 महीने तक अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वत कहकर सलाम करते हो। देखिए करबला है, करबला मदीने में होने वाले जुल्म पर पर्दा डाला गया, वहां नबी की बेटी के साथ क्या हुआ, वहां मौला अली के साथ क्या हुआ, वो पर्दे में है, कितने लोगों को पता है, कितने मुसलमानों को पता है। आप तो शुक्र अदा कीजिए कि आप इन हकायक से बाखबर हैं। आपके यहां बताया जाता है कि जब जनाब सैयदा ने मौला अली से कहा कि या अली, मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते, क्या यह आसान होता है? तलब करके मिलते रसूल मकाम में ताज्जुब ये नहीं है कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, ताज्जुब का मकाम यह है कि अगर मैं सलाम करता हूं तो लोग जवाब नहीं देते। चीज मुसलमानों से छुपी हुई है, लेकिन कोई भी मुसलमान करबला के बारे में नहीं कह सकता कि मुझे करबला का इल्म नहीं। तो करबला इस्लाम में होने वाली मिलावट को बेनकाब करने के मकाम पर, मदीने में क्या हुआ उस पर पर्दे पड़े, लेकिन करबला में क्या हुआ, ये जिक्र करबला का तसलसल है कि जो मौला अली की शहादत को याद नहीं करते, जनाब ज़हरा की शहादत को याद नहीं करते, इमाम हसन की शहादत को याद नहीं करते, वो भी आकर सफाई देते हैं कि हम भी हुसैन को मानते हैं, किसी न किसी तरह से जिक्र कर रहे हैं। हाँ, और फिर अरबईन हुसैनी, अल्लाह अकबर, ये लाखों की तादाद में नजफ से करबला जाते हुए लोग, ये हुसैन की मजलूमी जिम्मेदारी को लिया जनाब ज़ैनब। हाँ, कबले मजलिस जनाब सकीना का तस्करा हुआ, इसलिए करबला की उस यतीमा का जिक्र है। अल्लाह अकबर। देखिए जब आप शाम जाएंगे तो आपको नाम का इख्तलाफ तड़पाएगा, ये यजीद ने कोशिश की थी, इसलिए कि जब जनाब सकीना की शहादत के बाद दूसरे दिन अराकी ने सल्तनत और हुकूमत ने आकर पूछा कि यजीद, कल रात में बड़ा हंगामा था, बड़ा शोर था, हुआ क्या था? तो यजीद ने नाम को छुपाना था। किताब में यही जुमला है कि उसने कहा, मा तद बिन तुल मिन बनातिल हुसैन,
हुसैन की बेटियों में एक बेटी मर गई, कोई उसे सकीना कहता, कोई उसे रुकैया कहता, कोई उसे बिंतुल हुसैन कहता, लेकिन मुझ जैसा जाकिर जब तरतीब देता है तो करबला में एक बच्ची का जिक्र मिलता है। कौन बच्ची? जो अली अकबर को चलते वक्त रोक रही थी और दामन पकड़ कर कह रही थी भैया न जाओ भैया। तो हम जैसे लोगों ने अंदाजा लगाया ये सकीना होगी जो कह रही होगी भैया अगर तुम चले गए तो मैं सोगरा को क्या जवाब दूंगा। यही वो बच्ची है जो बाबा के रुखसत होने के वक्त जुलजना के सुमों से लिपटी हुई कह रही थी न जाओ बाबा न जाओ बाबा। हुसैन जब के चले पाते दो पहरों को न था कोई कि जो थामे रकाबे तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी हवा के दामन को। ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, अरे फतक बहन ने किया था सवार भाई को। रवायत में अजब जुमले हैं, इन बातों को हर आदमी समझ नहीं सकता है, लेकिन एक बाप भी जानता है कि जिस जिस बच्ची का चचा पानी लेने गया था तराई के किनारे अपने शाने कटा करके सो गया, अब वो बाप इजाजत मांगना चाहता है और वो चार साल की बच्ची कहती है कि बाबा बाबा आप लेट जाइए ताकि मैं आपके सीने पर लेट जाऊं। अल्लाह अकबर, जलती हुई जमीन पर हुसैन लेटे हैं, सकीना बाप के सीने पर लेट गई है। मैं कहूंगा बीबी अब इसके बाद ये सीना न मिलेगा, अगर मिले कभी शामे गरीबा में तो सीने में इतने तीर लगे होंगे। करबला की तरफ जा रहा है आपका भी दिल चाहता होगा ना। लेकिन अदादारो अगर आपका दिल चाहे करबला जाने का बंदे आलम आपको ले जाए बार बार ले जाए, लेकिन उस बच्ची को याद कर लेना, इसलिए कि अरबईन के मौके पर सब तो पहुंचे हैं करबला लेकिन सकीना बीबी। जज़ाकुम रब्बकुम हाज़ातारो, यही वजह है जब रिहाई के बाद सब जा रहे थे करबला तो जनाबे ज़ैनब जनाबे सकीना की कब्र पर आई और कहने लगी सकीना सकीना हम करबला जा रहे हैं, हम मदीने जा रहे हैं। अजब नई आवाज आई, ओ बुबी अम्मा हम तो नहीं जा रहे हैं लेकिन मेरा सलाम। जज़ाकुम रब्बकुम, बुबी अम्मा मेरी तरफ से बाबा के लिए चादर ले दी जाए। एक जुमला सुनिए और मैं आज की मजलिस तमाम करूं। हाँ अदादारो, और वो ये कि जनाबे ज़ैनब ने कहा होगा सकीना सकीना अगर भाई को रुकदादे सफर सुनाना न होती, अगर नाना को नवासे का पुरसा देना न होता तो सकीना ये ज़ैनब तुम्हें तन्हा न छोड़ती। लेकिन चूंकि भाई को जाकर रुदाद सुनाना नाना को जाकर के पुरसा देना, लेकिन सकीना खुदा गवाह मैं तुम्हें शाम में तन्हा न छोड़ूंगी। अल्लाह पर शायद अली की बेटी ने दुआ की होगी, नबी की नवासी ने दुआ की होगी कि परवरदिगार जहां सकीना सो रही है ज़ैनब भी वही सोना चाहती है। यही वजह है कि करबला जाने वाली ज़ैनब मदीने जाने वाली ज़ैनब सारे काम अंजाम दे करके दोबारा शाम वापस आई ताकि लोगों को पता चल जाए कि जिस ज़ैनब को हुसैन ने सकीना को सिपुर्द किया था आज भी वो ज़ैनब शाम में सकीना को लिए सो रही है ताकि जब शायर शाम जाए तो उसे याद आ जाए कि जिस सकीना को हुसैन ने ज़ैनब के सिपुर्द किया था आज भी शाम में हमारा शाम हो करबला के शहीदों पर और शाम में सोने वाली फूफी और भतीजी पर। वाह सकीना वाह मजलूमा मातम सकीना मातम हुसैन अला लानतुल्लाह अला अल-क़ौमिज़ ज़ालिमीन सयालम।